नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जेल और कैदियों के हक से जुड़े कानून की बात करेंगे। जेल अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ के नियम कायदे कानून कैदियों और जेल कर्मियों से संबंध रखते हैं। कानून के तहत किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत नहीं देता है। जेल में बंद कैदियों को शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना, रोजगार और मेडिकल सुविधाएं पाने का मौलिक अधिकार है। जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के संबंध में अधिनियमित कानूनों से निपटने वाले भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। जेल अधिनियम 1894 कैदियों के सुधार और पुनर्वास के बजाय जेल के सुचारू कामकाज से अधिक संबंधित है। मॉडल प्रिजन्स मैनुअल के तहत किसी अपराध में सजा पाए कैदियों की अपेक्षा अंडर ट्रायल कैदियों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह, परिजनों को खत लिखने की सुविधा और मुलाकात करने की इजाजत, रोजगार की सुविधा दी जाती है। तो ये तो थी जेल और कैदियों से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको कारागार और कैदी से जुड़े तमाम नियम कायदे कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841 8377009636। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर कैदियों के हक क्या होते हैं? देखिए, जैसे एक आम नागरिक के जब वो जेल से बाहर होता है कुछ अपने हक होते हैं, ऐसे कैदियों के कुछ बेसिक जो राइट्स हैं वो होते हैं कि कैदी अपने मुक्त है और उसको जेल के अंदर विजिट कर रहा है तो वो भी वही ट्रीटमेंट चाहता है जिसे बाकी कैदियों के साथ उसको रखा जाए, या उसके साथ उसको जो खाने पीने की है या मेडिकल की जो सुविधाएं हैं या बाकी जो उसको अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने की सुविधाएं हैं, वो सभी जो सुविधाएं हैं एक कैदी को मिलनी चाहिए। और एक कैदी को अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो गंभीर रूप से अगर वो बीमार पड़ जाता है तो जेल का जो प्रशासन है उसका दायित्व होता है कि वहां पर जो जेल के अंदर जो पुलिस वो जो अस्पताल होता है वहां पर सभी तरीके से उनका ट्रीटमेंट कराएं। तो एक तरह से बेसिक जो जिम्मेदारी जेल प्रशासन के ऊपर होती है वो यही होती है कि जब तक किसी कैदी के ऊपर विशेष रूप से उनको ये आदेश ना हो कि ये कैदी जो है इसका कंडक्ट खराब है या ये किसी और को नुकसान पहुंचाता है पहुंचा सकता है, अदरवाइज जितने भी कैदी होते हैं उन सभी कैदियों को मिलने वाली जितनी सुविधाएं होती हैं तो सभी सुविधाओं के ऊपर सभी कैदियों का बराबर का अधिकार होता है। और अगर कोई कैदी ऐसा होता है जिसको कोई कानूनी सलाह नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो कानूनी जो वकील होते हैं जो लीगल एड के वकील होते हैं कानूनी तौर पर जेल में आते हैं वो उनको सुविधा प्रदान करें। इसके अलावा जो सुविधा सभी लोगों को दी जा रही है वो सारी सुविधाएं जो है वो कैदियों को प्रदान होनी चाहिए। जी 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 भाई, अगर हम अंडर ट्रायल कैदी और दोषी कैदी के हकों में अंतर क्या होता है ये जानना चाहेंगे। जायरा, मैं आपकी थोड़ी सी बात को थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। अंडर ट्रायल और दोषी ये दोनों एक ही बात है। जी, अंडर ट्रायल का मतलब वही दोषी हो गए जिस पे भी केवल दोष लगा है, लेकिन दोष सिद्ध जो हो जाता है उसको हम कन्विक्ट बोलते हैं, यानी एक कन्विक्ट हो गया और एक एक्यूज हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं एक दोषी हो गया और एक सजा याफ्ता हो गया, इसको सजा बोली जा चुकी है। जिसको जैसे कानून में आप खुद ही समझ रहे हैं, जिसको जो अभी अंडर ट्रायल है या जिस पर केवल दोष लगा है, जिस पर साबित नहीं हुआ है कि उसने कोई अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है वो कन्विक्ट प्रिजनर से ज्यादा अधिकार रखता है, क्योंकि कानून की नजर में अभी तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उसके जो अधिकार होते हैं वो एक कन्विक्ट से ज्यादा होते हैं और वो हर स्थिति में वो सारे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है जो एक आम व्यक्ति करता है, एक आम नागरिक करता है। क्योंकि जब तक कानून के द्वारा हमारा कानून का प्रशासन यही कहता है
जब तक एक व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक उसको मासूम या उसको ये समझा जाता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास सारे वो अधिकार हैं जो आम नागरिक के पास होते हैं, बस उन सारे अधिकारों को उसको जो इस्तेमाल करना है वो जो जेल का मैनुअल है, सुपरिटेंडेंट की जो डायरेक्शन है उसके रहते ऊपर है। जी जी, कैदियों को अपने परिजनों और रिश्तेदारों से बातचीत पर क्या नियम है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी क्या मुलाकातें होती हैं? सप्ताह में कितनी बार मुलाकातें हो सकती हैं? ये जरा एक तो आपको बताना चाहूंगा कि जो कैदियों से मिलने के जो नियम हैं या जो जेल में किसी को रखने के जो नियम हैं, ये एक राज्य का सब्जेक्ट विषय है। यानी कहने का मतलब है हर राज्य के पास ये अधिकार है कि उनकी जेल में जो अपराधी हैं और उनकी जेल में जो अंडर ट्रायल हैं और जो कन्विक्ट हैं उनके साथ किस तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनको किस तरह से सुविधा देते हैं, ये हर राज्य के पास अपना अपना अधिकार होता है। जैसे दिल्ली राज्य है उनके पास उनके नियम कुछ और होंगे, उत्तर प्रदेश के नियम कुछ और होंगे, हरियाणा के नियम कुछ और होंगे। लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं कि जब भी कोई परिवार का जन, क्योंकि कानून कहता है कि उनको भी अधिकार है जो व्यक्ति अपराध अगर किसने किया है वो अपने परिवार से मिलना चाहता है, तो जैसे दिल्ली के अंदर ये प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति उनका कोई परिवारजन जेल में बंद है तो वो फोन के ऊपर सुविधा है उनके ऊपर सुविधा से बुकिंग करा सकता है। बुकिंग कराने पर जब वो अपनी डिटेल बताता है तो वहां से बुकिंग करने वाले जो जन जेल का अधिकारी होता है उनको पुनः बताता है कि इस तारीख को इस दिन आपको इतने बजे पहुंचना है। तो वो जब जाते हैं तो 20 मिनट का टाइम होता है, 20 मिनट के टाइम में वो परिवारजन जो है वहां जाके मिल सकता है। अब रही बात आपने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पूरे भारत में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत विशेष रूप से जब अगर कोर्ट अगर डायरेक्शन करता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुलाकात कराई जा सकती है, लेकिन सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर मुलाकातें नहीं होती। जी जी, वहीं कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह की क्या सुविधाएं रहती हैं? देखिए, जैसे आपको मालूम है हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो गरीब हैं, तो जब बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं तो अपराध के अंदर भी जो लिप्त व्यक्ति होते हैं उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गरीब होते हैं जिनके पास इतनी सुविधा नहीं होती कि वो अच्छे और बेहतर वकील को कर सके। तो ऐसी स्थिति में समाज का ये दायित्व है और प्रशासन का और सरकार का ये दायित्व है कि ऐसे हर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना कानूनी सहायता के और उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाए या मुकदमा चलाया जाए और उसको सजा मिल जाए। तो कानून में जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब तक कोई व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं हो जाता तो कानून मान के चलता है कि वो मासूम है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उसको पूरा अधिकार है कि कानूनी जो सलाह अगर प्राइवेट वकील उसके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इवन कोर्ट के अंदर भी जब वो जाता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है वो जाता है तो जज को बता सकता है कि मेरे पास वो वकील नहीं है। तो जो लीगल एड होता है, जैसे दिल्ली में दिल्ली लीगल एड है, ऐसे यूपी के अंदर लीगल एड अलग होता है, हरियाणा में अलग होता है। तो लीगल एड काउंसिल्स होते हैं जो जेल मैनुअली काउंसिल भी होते हैं जो लगातार जेल में विजिट करते हैं और जो वहाँ के जो कैदी हैं वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, उनको जो कानूनी सलाह हो सकती है वो सलाह देते हैं। और ऐसी स्थिति भी आती है जब उनके कोई वकील नहीं होता तो उनके आधार पर वो कोर्ट के अंदर जेल से ही पिटीशन को फाइल भी करते हैं। जी जी, और मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को किस तरह के खाने पीने रहने की सुविधा दी जाती है? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो सुविधाएं हैं बेसिकली हर राज्य के हिसाब से अलग अलग है। जैसे दक्षिण भारत के अंदर खाने पीने की जो सुविधा जेल, वैसे जो सारी सुविधाएं होती है जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है क्योंकि मैनुअल बनाता है तो वहां का जो जो ज्योग्राफी है, वहां का जो रहन सहन है, उनके हिसाब से भोजन को बनाया जाता है। अगर दक्षिण भारत में कोई जेल है तो वहाँ का जो भोजन, जो वहाँ का भोजन का चलन है उसके हिसाब से भोजन का मैनुअल बनाया जाएगा। उत्तर भारत में है तो उसके हिसाब से अलग बनाया जाएगा। लेकिन कोशिश ये होती है कि जो जेल अथॉरिटी होती है, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, वो इस तरीके से भोजन का निर्धारण करते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो उस भोजन खाने के लिए वो स्वस्थ रहे और कम से कम जो बेसिक नीड एक व्यक्ति की एक भोजन खाने के बाद जो उसको मिल सकती है वो सारी सुविधा मिले। जैसे मान लीजिए अगर उत्तर भारत के लोग हैं तो उसको गेहूं भी मिले, उसको दाल भी मिले और जो सब्जी वो भी मिले। तो जो जेल का मैनुअल प्रोवाइड करता है, उस राज्य का जो मैनुअल प्रोवाइड करता है और इसके अलावा सुपरिटेंडेंट
अगर परमिशन होती है तो उसमें बदलाव भी किया जा सकता है, तो उस हिसाब से जो है बिल प्रोवाइड होगी जी। और कैदियों को किस तरह की मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं? देखिए जेल में भी अक्सर जब कैदी रहते हैं, कई बार तो वो अपराध करने के बाद जब जेल में जाते हैं तो बाहर ही उनको कोई ना कोई बीमारी होती है, और जब वो अंदर जाते हैं तो वो बीमारी बढ़ जाती है क्योंकि प्रॉपर इलाज उनका नहीं हो रहा होता। इसके अलावा बहुत से लोग अंदर रहते रहते भी उनको कई तरह के रोग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हर जेल के पास एक उनका अस्पताल होता है, उस अस्पताल के अंदर उन कैदियों को ले जाया जाता है और उनका इलाज कराया जाता है। इसके अलावा जब वहाँ का जो लोकल अस्पताल जेल का अस्पताल है, अगर अस्पताल को डॉक्टर को महसूस होता है कि वो उस कैदी का इलाज जो है वो यहाँ नहीं कर सकते, या उस कैदी को ऐसी बीमारी है जो यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता, या उसको ऐसा ट्रीटमेंट या उसको ऐसा कोई टेस्ट करना है जो टेस्ट भी उस जेल का जो अस्पताल है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो निकटतम जो डिस्ट्रिक्ट का जो अस्पताल होता है, जो बड़ा अस्पताल होता है, वो जेल सुपरिटेंडेंट की परमिशन से उस कैदी को वहाँ पे लेके जाया जाता है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स कंसर्न होते हैं वहाँ दिखाया जाता है, और जो टेस्ट भी होते हैं वो भी कराए जाते हैं, उसके बाद दोबारा जेल में लाया जाता है, और जो प्रिस्क्राइब दवाइयों का जो सेशन होता है फिर उसके पास होता है। लेकिन ये सभी कुछ डिपेंड करता है कि जो लोकल अस्पताल है, अगर लोकल अस्पताल में उस बीमारी को ठीक कर दिया है तभी संभव है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि बीमारी इसको इस अस्पताल में ठीक नहीं हो सकती तभी उसको बाहर लेके जाया जाता है जी। वहीं जेल में प्रवेश करने वाले दोषियों की पूरी तरह से जांच होती है, तो इस प्रक्रिया ये जो होती है इसके बारे में बताइए। देखिए जेल में तो जैसे कहा जाता है अक्सर लोग ऐसे अपराधी होते हैं जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, और आपने सुना भी होगा कि कई बार जेल के अंदर ही अपराध हो जाते हैं। अपराधी जो अपराध करते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऐसे हथियार जो होते हैं जो बाहर से, यानी जिस समय कोर्ट की पेशी पे आए होते हैं तब किसी तरीके से कोई उनका साथी या कोई और व्यक्ति उनको प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो ऑलरेडी बाहर से अंदर आ रहा है, चाहे कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करके आ रहा है या पहली बार जब वो उसको पकड़ा गया है और जेल के अंदर लेके जाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो जेल प्रशासन होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति की अपनी सुरक्षा और जो बाकी जो कैदी उस जेल के अंदर है उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कम से कम थ्री लेयर जो होती है जांच होती है, जिसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से जो कैदी होता है उसकी हर कपड़े की हर शरीर के हिस्से की जांच होती है कि उसने कोई अपराध या कोई ऐसा हथियार छुपा तो नहीं रखा जो उसके लिए और अंदर के किसी अपराधी के लिए जो है जो घातक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये जेल में हर जेल के अंदर अलग अलग होता है। जो महिला कैदी होती है उनके लिए अलग सुविधा होती है, और जो पुरुष कैदी है उनके लिए अलग सुविधा होती है, उनको तीन लेयर के अंदर उनकी जांच होती है, और ये देखा जाता है कि वो कोई ऐसा चीज ना ले जाए कि जिससे कि वो जेल में जाके फिर दोबारा से अपराध में लिप्त ना हो जाए जी। तो इन कैदियों की मेडिकल जांच किस तरीके से करवाई जाती है? मेडिकल जांच जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई कैदी पकड़ा जाता है तो उस समय ही वो किसी रोग से ग्रस्त होता है, और कई बार जब वो जेल के अंदर होता है तब उसको कोई रोग हो जाता है, तो जो वहाँ का जो लोकल अस्पताल है वो सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर है पहले वो उनकी जांच करता है, अगर उसको वो लोकल मान लीजिए कोई बीमारी ऐसी है, कोई बुखार है, उनकी दवाई करता है, लेकिन अगर वो बीमारी को चेक करने के बाद वो इस स्थिति में पहुंचता है कि उसका इलाज जेल के अंदर संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो रिकमेंड करता है कि इस कैदी को इस जेल से बाहर जो बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया जाए, और वहां पे इसकी वहाँ पे इसकी जांच भी हो और ये पता लगा सके कि कौन सी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से सुपरिटेंडेंट की परमिशन से इसको जेल से बाहर लेके जाया जाता है, वहाँ जांच होती है जी, दवाई दी जाती है और फिर उसको बाहर अंदर दोबारा लेके आया जाता है जी। जी तो अगला सवाल ऋषिपाल जी आपसे जानना चाहूंगी कि कोविड काल में कैदियों को किस तरह की सुविधाएं दी गई, इस दौरान उन्हें रिहा करने में किन बातों का ध्यान रखा गया? जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब कोविड का जो काल चालू हुआ तो हर राज्य को ये डायरेक्शन दिए गए कि हर राज्य एक हाई पावर कमेटी जो है HPC जो है एक हाई पावर कमेटी बनाए और हर राज्य ये देखे कि उसके यहाँ जो कैदी हैं उनको किस तरीके से जो है छोड़ा जा सकता है और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या नियम हो सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अलग था, दिल्ली के अंदर जो भी व्यक्ति जिन्होंने कोई इवन
मर्डर केस में लिप्त हैं और दो साल तक अगर लगातार वो लोग उन लोगों ने जेल के अंदर काटा हुआ है और किसी और केस में लिप्त नहीं है, तो ऐसे में 90 दिन के लिए जो है उनको जो HPC कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उन रिकमेंडेशन के आधार पर उनको 90 दिन में छोड़ा गया, जो बाद में धीरे धीरे और बढ़ा। इसके अलावा अलग अलग अपराध थे जिनके अंदर समय के हिसाब से छोड़ा गया, और बड़ी विशेष बात थी उन अपराधों में कुछ ऐसे अपराध को शामिल भी किया गया जिसके अंदर HPC ने स्पेसिफिकली कहा कि जिन अपराधों में किसी को भी किसी भी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा, उनमें जैसे सेक्सुअल ऑफेंस के जो केस थे, नारकोटिक्स के जो केस थे, उनके ऊपर विशेष तौर पे जो समिति बनी, जो HPC कमेटी जो बनी, उसने कहा कि ऐसे कैदी जो बाहर समाज में निकलने के बाद दोबारा से अपराध में लिप्त हो सकते हैं या दोबारा से उस व्यक्ति के निकलने के बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में भी कोविड काल के अंदर भी उनको बाहर निकलने की सुविधा जो है नहीं दी गई। जी, जेल में बंद कैदी को अगर सुरक्षा की जरूरत है तो किन बातों को ध्यान में रखकर और किस तरह की सुरक्षा दी जाती है? देखिए, जेल में कई बार आपने सुना होगा, अक्सर ऐसा हो जाता है कैदी आपस में लड़ पड़ते हैं, या अभी जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर ही जो है एक अपराधी, दो अपराधियों ने एक अपराधी को गोली मारी। जी, ऐसी स्थिति में बहुत सा डर रहा कि जो जेल में बंद अपराधी हैं उनमें गैंगवार हो सकती है, वो आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जेल में मौजूद कैदी होता है उसको अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जो कंसर्न सुपरिटेंडेंट है वो उसके पास एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे अपनी जान का खतरा है, या मुझे जो मेरे बैरिक में जो लोग हैं उनसे मेरी जान का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में उसको विशेष सुविधा प्रदान होती है और उसको बैरिक चेंज हो जाता है और ये जो पुलिस ऑफिसर की निगरानी में है। इसके अलावा अगर सुपरिटेंडेंट को ये लगता है कि कोई कैदी जो जेल के अंदर मौजूद है वो बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा हो गया है, तो वो भी जेल सुपरिटेंडेंट की परमिशन से उस व्यक्ति को हथकड़ी भी लगाई जा सकती है और उस व्यक्ति को अलग से एक छोटी बैरिक में रखा जाता है जिससे कि और लोगों के ऊपर वो किसी भी तरह से जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। तो ये जो हर व्यक्ति का जो एक कैदी भी है उसका अधिकार है कि वो आपकी सुरक्षा के लिए जो कंसर्न सुपरिटेंडेंट है उसके पास एप्लीकेशन लगा सकता है और जेल मैनुअल में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनके साथ जो है उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। जी, जेल में कैदी कामकाज भी करते हैं, इस बारे में बताइए कितने घंटों का काम रहता है और क्या काम रहता है उनका? देखिए, जेल में अक्सर क्या होता है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग का ये अपनी इच्छा होती है कि वो काम करें, तो वो भी सुपरिटेंडेंट की परमिशन से और उनके शारीरिक जो व्यवस्थाओं को देखते हुए वो परमिशन देते हैं। 6 घंटे से 8 घंटे का समय होता है, उस समय जो व्यक्ति है वो काम कर सकता है और ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति जो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, या वो एक मैनुअल काम कर सकता है। तो जैसे भी उस जेल के अंदर, हर राज्य के अलग अलग जेल के हिसाब से जैसे भी वहाँ पे आवश्यकता होती है कि वहाँ पे लेबर की आवश्यकता है या वहाँ पे किसी कंप्यूटर का काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है या और सुविधाएं हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जो सुपरिटेंडेंट कंसर्न होता है वो किस तरह के काम की जॉब को वहाँ पे निकालता है। तब जब वो निकालता है तो वो उसको देखने के बाद उस व्यक्ति के चार्ज करने को, पढ़ाई को देखने के बाद, और ओनली सुपरिटेंडेंट की परमिशन से उस व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो जाते वो उस पर काम कर सकता है, और एक प्रिस्क्राइब नॉर्म होते हैं, कुछ सैलरी होती है, कहीं पर 177 रुपीज है, कहीं पर 180 रुपीज है, उस हिसाब से जो है वो एक दूसरे कमा देते। जी, कैदियों को परिजनों से मुलाकात करने पर क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं? देखिए, जैसे हमारा कानून भी कहता है कि जो व्यक्ति अपराध करता है और बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति काफी ज्यादा अलग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जेल प्रशासन ये कोशिश करता है कि उसके परिवारजन जो हैं वो अगर उससे मिलना चाहते हैं तो एक प्रिस्क्राइब टाइम में एक समय लेके जेल की सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेके वो मिल सकते हैं। अगर किसी स्थिति में कोई बहुत इमरजेंसी आ जाती है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई परिवारजन एक्सपायर हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, या मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है, या कोई और वजह भी है, तो उसके परिवारजन परमिशन लेके उससे उस व्यक्ति से 20 मिनट के लिए मिल सकते हैं और अपनी जो
अपनी जो बातें हैं वो, लेकिन वो सारी की सारी बातें जो होती है वो जेल अधिकारियों के समक्ष होती है, कुछ ऐसे निजी नहीं होती, उनकी मतलब देख रेख में वो व्यक्ति मिल सकती। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी इस खास पेशकश में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।